की खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहाँ पिलुआ थाना क्षेत्र के ग्राम पिलुआ में कुछ लोगों ने एक बेहद गरीब परिवार की जमीन भेला फुसला कर लिखवा ली। बताया गया है कि थाना क्षेत्र पिलुआ के ग्राम पुठिया निवासी विमला देवी अपनी 3 बेटी व 1 बेटे के साथ रहती है। विमला देवी के पति भगवान दास की मृत्यु हो चुकी है, जिनका 1 बीघा खेत जीटी रोड पर लबे सड़क था, जिसमें से लगभग 5 बिस्वा जमीन हाईवे में चली गई। इस जमीन का अधिक मुआवजा दिलवाने के चक्कर में उन्हें बेला फुसला लिया। नामजद लोगों ने उन्हें तहसील ले जाकर जमीन अपने नाम करवा ली। अब विमला देवी शिकायती पत्र लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है। अधिकारी भी क्या करें, तहसील में बैनामा हो चुका है। यहाँ तो यही कहावत से दो रही है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, मदद तो अधिकारी ही कर सकते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रवीर राजपूत को पीड़ित परिवार ने सुनाई अपनी व्यथा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला। कौन सा गांव है आपका? पुठिया। क्या घटना है आपकी? मेरे यहाँ घटना यह है, कमो यहीं से ले गया एटा। कौन ले गया आपको? वहाँ के दलित नगरा के सुभाष और राजकुमार जी। हाँ, और मैं वहाँ पे ले जाके अपनी पत्नी को संग ले गए यहाँ से, और वहाँ ले जाके क्या माला मेरे संग क्या घटना करी है। मेरे प्लॉट से मकान दुकान सब लिखवा लिए। प्लॉट कितना प्लॉट था आपका? मेरा प्लॉट तो 15 बीस का। आपसे यहाँ से क्या कह के ले गए थे? यहाँ से ले गए थे कि तुम्हें मुआवजा दिलवाएंगे प्लॉट पर। अच्छा, कितना प्लॉट था आपका? 15 बीसे प्लॉट। और कोई घटना? और घटना मकान दुकान से भी करवा दिया। मतलब कब्जा किसका है अभी? कब्जा अपना ही है। अभी धमकी देता है कि हमने ले हमारा कब्जा हमने खरीद लिया है, इसको खाली करो। आपने वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष को दिया? हमने दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी। वहाँ से उन्होंने क्या बोल दिया वरिष्ठ? उन्होंने कुछ नहीं कही कि भाग करो कार्रवाई अपने देख लेना, तुमने करा होएगा जा तब इसने करा। यू थाने में दी थी आपने रिपोर्ट? थाने में रिपोर्ट दी मैंने, कुछ नहीं सुनवाई मेरी। कौन सा थाना पड़ता है आपका? पिलुआ थाना। माता जी, आप नगला दली सुभाष के यहाँ पर गई थी? हाँ, कर ले गए थे। तो क्या बोला उन्होंने? मैंने उन्होंने से कही भाई मेरे लड़की को आ रही है मेरे संग मुझे क्या कर रहा हो, तो उन्हें उन लोगों ने हमको तुरंत मारा पीट करी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? उन्होंने कोई जवाब नहीं, कह रही मैंने तो करवा लिया, अब क्या लिया कुछ, अब क्या लेने यहाँ आई, मैंने तो करवा चुकी, जो करवाना उसको। कौन कौन गया था आपके साथ? मैं गई थी, मेरी तीनों लड़की गई थी और हम गए थे। आप कल गए थे साथ? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम तो सब लिखवा लिया, अब क्या लेने आई है यहाँ पर। अच्छा, मारपीट भी की थी? हाँ, डंडा फंडा सब लगा रही है, हमारी चौदह सब फूट डाली, गाली गलौज भी गई चमरी, यहाँ तो चली जाए गद्दूंगा। उसका लड़का भी था, अंकित, बदतमीजी भी करी थी। आप कल गए थे तो क्या बोला सुभाष ने? सुभाष नहीं थे, सुभाष की बहू और सुभाष था, उसका लड़का था और उसकी बहू थी, और पप्पू का लड़का था और पप्पू की बहू थी। आपके साथ कोई मारपीट भी की थी? हाँ, मारपीट की, डंडा लेके आई थी उसकी बहू, मारपीट की, चांद फांद फोड़ दी मेरी दीदी की, और मेरी मम्मी को मारा, मुझको मारा। क्या नाम है आपका? रेनू जी, आप ये बताइए आपको यहाँ से क्या कह के ले गए थे? कुछ जाके लिया। कौन ले गया था? सुभाष और राजकुमार। कौन सा गांव है उनका? नगला दली। तो कहाँ पर ले गए थे आपको? तहसील पर। तो क्या किया उन्होंने वहाँ जाके? उन्होंने नसीला प्राप्त करके हमको पता नहीं, उनका सीधा जाने क्या करवा लिया, सब जमीन जाए सब लिखवा लिया। आपने ये शिकायत ऊपर अधिकारियों से की? और क्या, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। संजू जी, आप ये बताइए क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ घटना ये हुई है, हमें ले गया मुआवजा के, मुआवजा दिलवाएंगे, बढ़ती दिलवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, वहाँ पे ले जाके तहसील पे। इसके साथ राजकुमार भी था और सुभाष, उसकी पत्नियाँ भी थी दोनों। कौन से गांव के हैं वो? नगला दली। क्या हुआ फिर तहसील पर? क्या मैं नहीं पता, मैंने नशीला पदार्थ खिलाकर इसने उल्टा सीधे काम करा के हमारा नाम बैनामा करा लिया, हमारी सारी खेती का, हमारे पास कुछ नहीं बचा। कितना खेत था आपका? हमारा खेत 4 बीघा था। 4 बीघा खेत था।
शुद्ध स्वादिष्ट एवं शाकाहारी भोजन के लिए होटल नीलकंठ जिला पंचायत गेट के पास जीटी रोड एटा, प्रबंधक सुरेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर 9690043248।